गाइज वेलकम टू माई चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग काफी अच्छे होंगे। तो गाइज आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ, अगर आप लोग किसी भी फंक्शन में जा रहे हो तो आप लोग ऐसा मेकअप कर सकते हैं। मैं आप लोगों को गारंटी के साथ बोल सकती हूँ कि लोग आपकी तारीफ करते नहीं थकेंगे। हाँ जी, आज मैं आप लोगों के साथ ट्रेडिशनल मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए ज्यादा बातें नहीं करते हैं और देखते हैं किस तरीके से मैंने इस लुक को क्रिएट किया। तो गाइस सबसे पहले मैं यहाँ पे अपने फेस को क्लीन कर लूंगी, यानी कि साफ कर लूंगी। तो यहाँ पे मैंने बायोटिक का फेस टोनर लिया हुआ है, कुकुम्बर का फेस टोनर है, बहुत ही अच्छा टोनर है गाइस। मैंने अभी कुछ दिन पहले ही इसे मंगाया था और आप लोग देख सकते हैं आधा से ज्यादा खत्म हो गया है। और जब हमें इसे टोनर को लगाना होता है तो हमें एक कॉटन में इसे हल्का सा लेना होता है और अपने फेस को क्लीन करना होता है। टोनर लगाने के बाद यहाँ पे मैं लगा रही हूँ एलोवेरा जेल, क्योंकि अगर आप लोग किसी फंक्शन में नाइट में जाते हैं या फिर डे में जाते हैं, तो अगर आप डे में जा रहे हैं तो आप लोग सनस्क्रीन ले सकते हैं, अगर आप लोग नाइट में किसी के फंक्शन में जाते हैं तो आप लोग कोई भी जेल ले सकते हैं। वैसे मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूंगी कि आप लोग कोई जेल ही लें। तो यहाँ पे मैंने ना ही प्राइमर यूज किया हुआ है ना ही सनस्क्रीन यूज किया हुआ है, मैं यहाँ पे इस जेल को यूज कर रही हूँ। अब मैं यहाँ पे गाइस सीरम यूज करूंगी। यहाँ पे मैंने NYV का विटामिन सी सीरम लिया हुआ है, ये बहुत ही अच्छा सीरम है गाइस। मुझे इसको यूज करते हुए 6 से 7 महीने हो गए हैं और आप लोग देख सकते हैं अभी भी काफी ज्यादा ये बचा हुआ है और बहुत अच्छा ये वर्क करता है हमारे फेस पे। ये हमारे फेस को हाइड्रेट करता है गाइस, सीरम हमारे फेस को काफी ज्यादा हाइड्रेट करता है। अगर आप लोग सीरम यूज नहीं करते हैं तो मैं आप लोगों को यही कहना चाहूंगी कि सीरम आप लोग जरूर यूज करें, इससे आपका फेस बहुत ज्यादा हाइड्रेट हो जाता है और अगर आप लोग कितना भी ज्यादा मेकअप करते हैं तो आपके स्किन को दिक्कत नहीं होती है कोई भी। गाइज अब मैंने यहाँ पे ऐसी क्रीम लिया हुआ है, मैंने जैसा आपको बताया मैं फाउंडेशन बहुत कम यूज करती हूँ। अगर आप, ये ऑप्शनल है, अगर आप लोग सीसी क्रीम यूज नहीं करते हैं तो आप लोग फाउंडेशन यूज कर सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि मैंने सीसी क्रीम लगाया तो आप भी वही लगाएं, ऑप्शनल है ये, आप लोग फाउंडेशन यहाँ पे लगा सकते हैं। तो सीसी क्रीम को मैं अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से अपने फेस पे अप्लाई कर दूंगी। और मैंने आपको ये पहले भी बोला है, जब भी हम फाउंडेशन या सीसी क्रीम कुछ भी लगाते हैं तो हमें इसे ब्लेंड करते हुए थोड़ा टाइम लगाना होता है, क्योंकि अगर हम अच्छे से इसे ब्लेंड करेंगे तो ही हमारी स्किन अच्छी ज़्यादा ग्लो दिखेगी। तो अब गाइज मैं यहाँ पे NYV का कंसीलर यूज कर रही हूँ। कंसीलर को मैं वहाँ पे लगाऊंगी जहाँ पे मुझे डार्क स्पॉट की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। आप लोग देख सकते हैं मेरे आंखों के नीचे डार्क स्पॉट बहुत ज्यादा हैं और मुझे जो सबसे बेकार लगता है, बट क्या करें, नेचुरली हैं तो कुछ कर नहीं सकते हैं। जहाँ जहाँ पे मुझे डार्क स्पॉट की प्रॉब्लम है वहाँ पे मैं एक कंसीलर को अच्छे से अप्लाई कर दूंगी और इसे भी अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी। अब बारी आती है गाइज आईब्रो की, तो यहाँ पे मैं अपने आईब्रो को अच्छे से फिल कर लूंगी। आईब्रो फिल मेरी हो चुकी, और अभी मैं एक ब्रश पे कंसीलर को ले रही हूँ और अपने आई लेट पे अच्छे से लगा लूंगी। ये हमें इसे लगाना होता है ताकि हमारा जो आई मेकअप है वो बहुत अच्छा लगे और काफी देर तक हमारे आई पे। कंसीलर लगाना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है जब भी आप लोग आई मेकअप करते हैं। Thank you.
तो गाइज अभी मैंने यहाँ पे ले लिया है टेप, जिसे इसको मैंने बीच से कट कर लिया है। इससे जो हमारा आई मेकअप होता है ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और उभर के आता है। तो देख सकते हैं आप लोग, मेरे पास ये बड़ा टेप था तो मैंने इसे बीच से कट करके इसके दो छोटे छोटे पार्ट कर लिए हैं और अपने आँखों के कॉर्नर पर मैं इसे लगा लूँगी। देख सकते हैं आप लोग, मैंने इसे अच्छे से लगा लिया है अपने आँखों के कॉर्नर पर। और अभी मैं अपने आई शेडो से लाइट ब्राउन कलर चूज कर रही हूँ, क्योंकि लाइट ब्राउन कलर से ही हमारी जो आई का मेकअप है वो उभर के आता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लाइट ब्राउन कलर चूज कर रही हूँ। और अब मैं गाइस अपने आई शेडो से इस पिंक कलर को चूज कर रही हूँ और इसे अपने आईलेट पे अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी। हमें अपने आईलेट पे जो भी हम कलर लगाते हैं उसे अच्छे से ब्लेंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हम ब्लेंड नहीं करते हैं तो वो अजीब सा पैची पैची सा दिखना शुरू हो जाता है। ज़्यादा पिंक कलर मैंने यहाँ पे नहीं लिया है, बस हल्का ही लिया हुआ है। अब गाइज आप लोग देख सकते हैं मैं अपने आई शेडो से लाइट येलो कलर चूज कर रही हूँ, क्योंकि मेरी जो ड्रेस है इसमें थोड़ा सा गोल्डन कलर है और मुझे हल्का सा मतलब लाइट ही येलो कलर चाहिए था, जिसे मैं अपने आईलेट के ऊपर को लगाऊंगी। नीचे को नहीं लगाना, आईलेट के ऊपर को लगाना है। और अब गाइज आप लोग देख सकते हैं मैं अपने आई शेडो से गोल्डन कलर पिक कर रही हूँ। ये ज्यादा गोल्डन कलर नहीं है, आप लोग ये लगा सकते हैं, ये थोड़ा सा येलो और हल्का सा गोल्डन, मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन लगा के ये कलर है। तो इस कलर को मैं अपने आईलेट पे अच्छे से लगा लूंगी। सो आई मेकअप कंप्लीट हो चुका है और जो मैंने टेप लगाए थे नीचे से, मैं इन्हें अच्छे से निकाल लूंगी। आप लोग देख सकते हैं इससे जो मेरी रिंग लाइन है बहुत ज्यादा अच्छी लग गई है। इससे मैं अगर आईलाइनर लगाऊंगी तो वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे से लग जाएगी। तो अभी मैं सबसे पहले आईलाइनर ही यहाँ पे यूज़ करूँगी। तो आईलाइनर मैंने NYB का लिया हुआ है, ये लिक्विड आईलाइनर है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। मैं भी 1 ईयर से मैं इसे यूज़ कर रही हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा बेस्ट आईलाइनर लगा ये। तो अभी मैं कॉम्पैक्ट पाउडर ले रही हूँ गाइस और अपने फेस पे अच्छे से अप्लाई कर लूंगी। कॉम्पैक्ट पाउडर मैं इससे लेट में अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि जो भी हम अपने आई पे कलर यूज करते हैं वो कलर हमारे फेस पे थोड़ा बहुत गिर जाता है, तो इसलिए कॉम्पैक्ट पाउडर लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप लोग चाहें तो लूज पाउडर लगा सकते हैं, बट मैं कॉम्पैक्ट पाउडर यहाँ पे यूज कर रही हूँ। और अभी मैं लगाने वाली हूँ काजल। तो काजल NYB का मैंने यहाँ पे यूज किया हुआ है। काजल लगाना भी ऑप्शनल है, अगर आप लोग चाहें तो लगा सकते हैं, अदरवाइज ना चाहें तो ना लगाएं। बट अगर आप किसी भी फंक्शन में जाते हैं तो काजल लगाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, इसीलिए मैंने काजल लगाया, क्योंकि मुझे खुद ही काजल पसंद नहीं है। बट मेकअप लुक मैंने ट्रेडिशनल मेकअप लुक किया हुआ है, यानी कि अगर आप लोग किसी फंक्शन में जाते हैं तो ऐसा मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हैं, तो इसमें काजल लगाना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस काजल मैंने लगा लिया है, ज़्यादा डार्क मैंने काजल नहीं किया है, लाइट ही काजल अपनी आँखों पर लगाया हुआ है। गाइस अब मैंने अपने आई शेडो से ये ब्राउन कलर पिक कर लिया है और इसे अपने आँखों के नीचे अच्छे से स्मच कर लूँगी। साथ ही साथ जो मैंने काजल लगाया हुआ है उसे भी हल्का सा स्मच कर लूँगी। और उसके बाद मैंने आई शेडो से ये हल्का सा येल्लो कलर चूज़ किया हुआ है, इसे भी मैं अपने आँखों के नीचे से हल्का सा स्मच कर लूँगी। सो गाइज अब बारी आती है हाईलाइटर की। तो हाईलाइटर को मैं यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही क्वान्टिटी में ले रही हूँ, क्योंकि अगर हम फंक्शन शादी फंक्शन कहीं पे भी जाते हैं तो हमें हाइलाइटर का थोड़ा ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। इससे हमारे फेस का ग्लो जो होता है वो बहुत ज़्यादा निखर के आता है। साथ ही साथ हाइलाइटर को मैं अपने आईब्रो के नीचे भी अप्लाई कर दूंगी, इससे हमारे जो मेकअप है आई मेकअप है वो अच्छा लगेगा। तो अब मैंने यहाँ पे मस्कारा लिया हुआ है, मस्कारे को भी मैं अच्छे से लगा लूंगी। तो गाइज अब मैंने यहाँ पे ले लिया है NYB की ये स्मॉल लिपस्टिक। ये लिपस्टिक मेरी ड्रेस से पूरी मैच हो रही है, यानी कि मैरून कलर की है। तो उस लिपस्टिक को मैं अपने होंठों पे अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। तो आप लोग देख सकते हैं मेरा पूरा मेकअप कम्प्लीट हो चुका है। और अपने इस मेकअप को कम्प्लीट करने के लिए यहाँ पे मैं मेकअप फिक्सर यूज़ कर रही हूँ, जिससे कि जो मेरा मेकअप है वो काफ़ी ज़्यादा देर तक मेरे फेस पर टिका रहे। और अब गाइज मैंने यहाँ पे एक छोटी सी बिंदी ले ली है, बिंदी को अपने माथे पे लगा ली है। सो अब बारी आती है हेयर स्टाइल बनाने की। तो यहाँ पे मैं हेयर स्टाइल बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल रख रही हूँ, मैं जूड़ा बनाऊँगी, क्योंकि
अगर आप लोग चाहें तो आप लोग अपने बालों को खुले भी रख सकते हैं, बालों पे कोई मतलब अलग सा लुक भी दे सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे अपने बालों का जूड़ा बनाना ही बेटर समझा। और जूड़ा एक ऐसा मतलब और जूड़ा बना के गाइस क्या होता है, एक अलग सा लुक आ जाता है। अगर कोई मैरिड वुमेन इस लुक के क्रिएट करती हैं तो जूड़ा बना के ही वो बहुत ज्यादा सुंदर दिखेंगी। अदरवाइज अगर आप लोगों के बाल सॉफ्ट हैं, बहुत ज्यादा सिल्की हैं, स्ट्रेट बाल हैं, तो आप लोग अपने बाल ओपन कर सकते हैं, बट मेरे थोड़ा कर्ल बाल हैं तो इसलिए मुझे जूड़ा बनाना ही बेटर लगा। तो मैंने यहाँ पे ज्यादा कुछ हेयर स्टाइल का नहीं किया, बस नॉर्मली जूड़ा बनाया हेयर स्टाइल का। आप लोग देख सकते हैं साइड से मैंने कुछ इस तरीके से बाल निकाल लिए हैं। ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है गाइज, अगर आप लोग किसी के फंक्शन शादी में जा रहे हो तो बहुत अच्छा लगता है गाइज ये। तो मैंने कुछ इस तरीके से बाल लिए हुए थे आगे के, इनको मैं हल्का सा घुमा के पीछे को टक कर लूँगी। गाइज मेरे कैमरे में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है जब मैं वीडियो शूट करती हूँ, तो मुझे लगता है कि मेरी वीडियो बिल्कुल अच्छी तरीके से शूट हो रही है, बट जब मैं वीडियो बनाने के बाद देखती हूँ तो हल्का बहुत ब्लर मेरे कैमरे पे आ जाता है। तो उसके लिए मैं आप लोगों से जितनी बार हो सके माफ़ी मांगना चाहूँगी, क्योंकि काफ़ी बार मैं ऐसा बोल चुकी हूँ आप लोगों को ऐसा नहीं होगा लेकिन ये हो ही जाता है। बट मैंने अब इसकी सेटिंग बिल्कुल सही कर ली है तो अब ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट जब मैंने ये वीडियो बनाई थी, ये वीडियो में भी मेरी 1-2 वीक पहले की है, तो आज मैं इसे एडिटिंग कर रही हूँ, तो अभी मैं इसे देख रही हूँ कि हाँ बहुत ज़्यादा ब्लरी आई हुई है मेरी वीडियो, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी गाइस। आप लोग देख सकते हैं मेरी हेयर स्टाइल बिल्कुल बन के रेडी हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे चूड़ियाँ ले रही हूँ, और चूड़ियाँ मैंने ये रेड कलर की चूड़ियाँ ली हुई हैं, ज़्यादा चूड़ियाँ नहीं ली, बल थोड़ी सी ही चूड़ियाँ मैंने ली हुई हैं। अब आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पे ये इयर रिंग भी ले ली है, ये इयर रिंग मैंने लोकल मार्केट से ही खरीदी हुई है और बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है ये इयर रिंग। तो गाइज आप लोग देख सकते हैं मेरा पूरा मेकअप लुक कंप्लीट हो चुका है, और कुछ इस तरीके से आप इस मेकअप लुक को क्रिएट कर सकते हैं गाइज, बहुत ही ज़्यादा इजी तरीका है और बहुत अच्छे। अगर आप लोग इस तरीके से किसी भी फंक्शन में ऐसा मेकअप लुक करके जाती हैं तो बहुत अच्छा आप लोग दिखने वाली हैं। मैंने आपको कोई ज़्यादा प्रोडक्ट भी नहीं बताए हैं, जितने मेरे पास थे उतने ही मैंने आपको बताए हैं। हाँ अगर आप लोग मेकअप बहुत ज़्यादा करते हैं और आप लोगों के पास मेरे से भी ज़्यादा प्रोडक्ट हैं तो आप लोग सारे प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं, बट मेरे पास जितने प्रोडक्ट थे मैंने उसी के बेसिस पे आप लोगों को दिखाया कि आप लोग किस तरीके से फंक्शन के लिए रेडी हो सकते हैं, किसी भी फंक्शन के लिए, चाहे शादी हो, पार्टी हो, किसी का बर्थडे हो या किसी की एनिवर्सरी हो, कोई भी फंक्शन हो, आप लोग इस तरीके से मेकअप कर सकते हैं और लोग आपकी तारीफें करते नहीं थकेंगे। सो आई होप गाइस कि आप लोगों को मेरा आज का यह मेकअप लुक काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेक श्योर वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ गाइज मैं आप लोग को एक बात और बोलना चाहूँगी, अगर आप लोगों का कोई सजेशन या फिर कोई रिक्वेस्ट हो मुझसे तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं आपकी रिक्वेस्टेड वीडियो ज़रूर पूरी करूँगी। तो चलिए अब ज़्यादा बातें नहीं करती हूँ, वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ और मिलती हूँ आप लोगों को अपनी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।